हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भूमिका, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर एप्लीकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो बाइनरी नंबर को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होते हैं अनसाइंड नंबर, एक होते हैं साइंड नंबर। अनसाइंड नंबर मतलब उसका कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स हम कंसिडर कर सकते हैं। साइंड नंबर्स मतलब जिसमें हम बाइनरी नंबर को दोनों टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये नंबर पॉजिटिव है या ये नंबर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा नंबर तो साइन बिट क्या आ जाएगी, जीरो ऐड हो जाएगी बाइनरी इक्विलेंट में। और अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर होगा तो बाइनरी इक्विलेंट में हम वन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो ये साइंड नंबर्स हैं, साइंड नंबर को भी हम थ्री टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। साइन मैग्नीट्यूड देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 108 है, 108 है, कोई डेसिमल नंबर है इसीलिए इसका बेस 10 है। इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है इसीलिए इसका बेस क्या है, 2। तो हमारे पास क्या है, 108 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आ गया, ये। अब इसको साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास ये साइन बिट क्या आ गई, इसके आगे 0 ऐड हो गई। और माइनस अगर लिखना है तो इसके आगे साइन बिट क्या ऐड हो गई, 1 ऐड हो गई। बाकी सारा क्या लिखा है हमने, बाइनरी इक्विवेलेंट। उसके बाद दूसरी फॉर्म आती है हमारे पास नेगेटिव नंबर को लिखने के लिए, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या, माइनस 108 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमने ये लिखा कि साइन मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव 108 कैसे लिखते हैं, हमने ये लिख दिया। उसके बाद माइनस 108 कैसे लिखेंगे, हम 0 को 1 में चेंज कर देंगे और 1 को 0 में चेंज कर देंगे, सारे डिजिट्स को। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ईच एंड एवरी डिजिट को आप किस में चेंज कर देते हो, वाइस वर्सा, मीन्स 0 को 1 में, 1 को 0 में चेंज कर देंगे। इफ़ वी आर हैविंग 1 then we convert this into 0, and if we are having 0 then we convert this into 1. तो 0 1 1 0 0 1 0 0 हमने सारे डिजिट्स क्या कर दी, कन्वर्ट कर दी। तो हमारे पास माइनस 108 का इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट में, ये। अब हमारे पास दूसरी फॉर्म होती है टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। मतलब जो भी हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट आया है उसमें हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। अब वंस कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नंबर का क्या आया, देखो ये आया, तो हमने क्या करना है, 1 0 0 1 0 0 1 1, ये आया हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या करेंगे, हम 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड कैसे करेंगे, हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 2 होता है, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 0 0, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 0 1 आ गया, 1 1 1 0 0 1, हमारे पास ये आ गया इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक शॉर्टकट मेथड भी है, जो आप देखो क्या होता है, हम क्या लिखेंगे, पहले हमने इक्विवेलेंट लिखा कि 108 का, 108 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास, ये 0 1 1 0 1 1 0 0 4 4 के पेयर्स बनाते हैं हम। उसके बाद हमने इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम देखेंगे फर्स्ट एक्रेंस ऑफ 1, मतलब सबसे पहली बार यहाँ से 1 कब आया, यहाँ तक 1 आया हमारे पास, यहाँ तक हम सेम लिख देंगे और बाकी सारे 0 1 में चेंज हो जाएंगे और सारे 1 0 में चेंज हो जाएंगे। मतलब ये 0 में चेंज हो गया, ये 1 में, ये 0 में, ये 0 में, ये 1 में। अब ये देखो, ये आंसर, सॉरी यहाँ पर हमारे पास गलती थी, ये 0 आएगा यहाँ पर। अब ये देखिए कि ये जो हमारा आंसर निकला और ये आंसर जो हमने 1 ऐड किया, दोनों सेम है। तो हमने क्या करना है, जो भी बाइनरी इक्विवेलेंट है उसमें 4 4 के पेयर्स बनाएं और उसके बाद क्या करना है, जो सबसे पहला 1 आ रहा है वहाँ तक हम सेम लिखेंगे और उसके बाद सारे डिजिट चेंज कर देंगे 0 को 1 में और 1 को 0 में। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा,